इतनी बारिश शुरू हो गई है, हम रामपुर से निकलते ही जरा सी दूर आए हाईवे, नहीं ना थोड़ा सा ही दूर आए। क्या जी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप देख रहे हैं कार में सुबह सुबह बारिश में कहाँ जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं आगे आपको ब्लॉग में देखने मिलेगा। सो ब्लॉग को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हम कभी भी ब्लॉग या वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो ब्लॉग को लास्ट तक देखना और फैमिली ब्लॉग है तो फैमिली के ऊपर ही है। फिलहाल तो हम जा रहे हैं काम से, सो आपको आगे देखने मिलेगा। बारिश शुरू हो गई है, हम रामपुर से निकलते ही जरा सी दूर आए हाईवे, नहीं ना थोड़ा सा ही दूर आए। क्या और देखो बारिश स्टार्ट हो गई, शीशा बंद है, शीशा खोल दूंगी तो पानी अंदर आ जाएगा। वहाँ नहीं था, वहाँ सब सूखा पड़ा था रामपुर में। दो मिनट में रोड गीली, वहाँ नहीं था फिर रास्ता पड़ गया इतना देर का। अब बरसात का टाइम चल रहा है तो पता नहीं चलता कब स्टार्ट हो जाए बारिश, ठंडा मौसम हो गया एकदम, गर्मी थी अभी और ठंडा मौसम। भाई जी क्या कहना चाहती हो तुम बारिश के बारे में? बारिश जिंदाबाद, स्कूल की छुट्टी आ गया, पंजाबी हवा आ गया, आप रेस्टोरेंट पढ़ते हैं बीच में। फ्रेंड्स अभी कितनी तेज बारिश थी और अब कितनी तेज धूप है मुरादाबाद में, देखो है कहीं सड़क पे दिख रहा है आपको गीलापन, कहीं नहीं दिख रहा। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में कितनी तेज बारिश थी और अब बिल्कुल साफ पड़ा है मौसम एकदम। मुरादाबाद बीच में दलपतपुर में थी बारिश, हवाई अड्डा मुरादाबाद। ये कहाँ हम आ गए मुरादाबाद और ये है गंगा, क्या है ये, यहाँ पे गंगा है मतलब जैसे कुछ कहते थे, मैं भूल गई क्या कहते थे, लेकिन ये रामपुर मुरादाबाद के बीच में पड़ती है। मैं अभी आपको पानी दिखाऊंगी कितना सारा भर गया, मतलब बरसात के टाइम पे बहुत पानी भरता है यहाँ पे और वैसे गर्मी के टाइम पे या जाड़ों के टाइम पे सूखा पड़ा रहता है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये कितना पानी भरा हुआ है और इधर भी चल रहा है, इधर भी है, इधर देखो मुकुट पानी कितना सारा भरा हुआ है, ये बरसात का पानी है, ये ऊपर से आता है। और इधर हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद, रितेश कुमार नगर विधायक हैं, ये है पीतल नगरी, कहाँ है हाँ कितना उसमें रख रखा है, साफ सफाई नहीं रखा है, ऐसी जगह मूर्ति लगा रखी है। मुरादाबाद आयुष मुकुल को लगी थी बहुत तेज भूख, उस वजह से हमने उन्हें जूस पिलाया, नारियल का पानी पिलाया। और ये देख रहे हैं आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अपेक्स हॉस्पिटल दिल्ली रोड पे मुरादाबाद में। सो यहाँ पे मेरे दो ऑपरेशन हो चुके हैं, किस किस चीज के हुए हैं वो आने वाले ब्लॉगों में आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ आयुष पापा अपनी थोड़ी सी दवाई लेने आए थे, सो ब्लॉग को लास्ट तक देखना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सर? कहाँ आई है मौसी, कहाँ आई है? मुरादाबाद। कहाँ आई है? मुरादाबाद में कौन? नानी के घर। नानी के घर आए हैं और बच्चे खा रहे हैं चिकन और राइस, ये खा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमने बनाई है वीडियो, ये बैग रखे हैं और ये मम्मी खड़ी है, चाची हैं, ये भाभी हैं और ये हैं हम। हाय बोलो चाची, हाय बोलो, हाय। और ये रहा हमारा देखिए घर के बाहर का नजारा, देखिए कितना अच्छा आ रहा है ना बैकग्राउंड, ये देखो ये देखो 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 मेरी फोटो अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही, मैंने फिल्टर से बनाया ये मेरा घर,
ये मेरा घर है जिसमें मैं रहती थी, जिसमें मैं रह के चली गई, सबने देख रखा है मेरा। मैं जिसने मुझे धक्का दे दे के निकाला, बस मैं पहुंच गई। हाँ हम भी बना, मैं भी बहुत बनाती हूँ, बनाते। सो यहाँ पे बिग बॉस में शिवानी का जिक्र हो रहा है, चाची को पता है शिवानी कौन है? कौन है शिवानी बताओ? वीडियो बनाती थी वो, बहुत मतलब गांव से उठी है वो, उसकी बोली भी अच्छी लगती है। वो बोलती है ना बाय फ्रेंड, इससे फेमस हुई थी। बाय करो, हेलो हेलो, ये शोरे है, ये शोरे है, बाय छोटा बाबू। हेलो 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 हेलो, इसकी मम्मी अस्पताल में है। हाँ, इसकी मम्मी को हो गया है टाइफाइड फीवर, हो गया है इसकी मम्मी अस्पताल यहाँ आई है, हमारे पास आए। क्यूटी है वो, क्यूटी क्या खा रही हो? अरे दांत ही नहीं है, दिखा टीथ, दिखा अपने टीथ। हाय हाय, छी कितने गंदे हैं। हम जा रहे हैं ऊपर, और ये ऊपर जाने का रास्ता है बड़े भैया के घर का, और चिंकी हमारी गुस्सा है तो मैं उसे मनाने जा रही हूँ। ऊपर उसकी ना हो गई पिटाई, तो उसको मनाने जा रही हूँ मैं। भाभी क्या कर रही हो? अरे भाभी थक गई मैं, ऊपर आ कहाँ जा रही हूँ? हाँ अरे हाय बोलो, हाय नहीं जाओ, कहाँ है चिंकी? सो गई मेरी बच्ची चिंकी, चिंकी ओ चिंकी, चिंकी ये गुस्से में है, गुस्से में। आ जा कॉल्डिंग पियेंगे, आ जा, चलो इसे सोने दो, आराम कर रही है। सो मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितना पानी है बाहर, सब क्लोडिंग हुई पड़ी है यहाँ पे। सो देखिए पीछे कैसा व्यू आ रहा है भैया के घर का। सो मैं भी दिखाती हूँ, ये पता नहीं स्टोर रूम है, ये पूरी छत है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये चिप्स हैं, और ये हैं मूंगफली के दाने, और ये रहा भैया का घर। यहाँ से भी रास्ता है नीचे जाने की। मैं बैठे हैं बाहर और आयुषा बगे हैं काम से, और मतलब एकदम अंधेरा सा होने वाला है। मैंने सोचा एक आध रील बना लेते हैं भाभी के साथ, उन्होंने इतना सुना कि रील बनानी है, तो वो सीधे मेकअप करने भाग गई, बाल बाल काटने भाग गई। और मैं उनसे जल्दी जल्दी कह रही हूँ, ये मम्मी देखो, मम्मी बैठी है हमारी, कुछ खाओगी? कुछ नहीं खाना मम्मी, कुछ नहीं खाना, वो दोनों गई हैं। देखो अभी आ रही हैं, वो आई 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 आई, देखो देखो अंदर से आएंगे। आ जाओ भाई, बाल 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 काटने, कौन कौन नहीं इधर से आएगा, अभी इधर से आएगा, इधर से बच्चों को खाने टिक्की और पानी के बता से, तो उसका वेट कर रहा है। हम बनाने जा रहे हैं रील एक, ठीक है फ्रेंड्स? तो ब्लॉग में बने रहना, और मम्मी के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फिर। मुरादाबादी बिरयानी बेक कराने, और आयुष ये बैठी हैं, और बहुत ज़्यादा सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सिर फट रहा है, क्योंकि सुबह से ये टाइम हो गया भागा दौड़ी करते करते, पूरा फ्राइडे हमारा ऐसे ही गया है, और बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। सो ये देखिए यहाँ चलिए पैकिंग बिरयानियों की। सो आयुष भी थक गई है, मुकुल सो गए हैं, मुकुल पीछे सो रहे हैं, और आज के ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। सो ब्लॉग को जो पसंद आया हो तो ब्लॉग को, चैनल को, ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत भीड़ हो रही है, शोर भी बहुत हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और पापा देख रहे हो शीशे के बाहर, कहाँ है
अरे इधर कैमरा वो खड़े हैं आयुषी के पापा। तो बाय।